मैं जो भी कंटेंट लेकर आती हूँ या फिर जो भी, वो मेरी खुद की व्लॉगिंग होती है, ना कि वो मैं किसी के कैरेक्टर की, चाहे किसी को भी ले लें। आज तक मैं किसी के कैरेक्टर पर नहीं लेकर आई कि उसका फलां का, हमारी फैमिली में कैरेक्टर ऐसा है, फलां का ऐसा है, या फिर कौसर को ही ले लें। चलो सही है, कौसर के कैरेक्टर पे मैंने कभी बात की हो। मेरा और कौसर का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि कभी बर्दाश्त होता है, कभी नहीं बर्दाश्त होता। कभी दिल नरम होता है तो कभी जेलसी होती है। जाहिर सी बात है, ये होता है, ये नेचुरली है। जब दिल बर्दाश्त नहीं करता तो मैं बोल देती थी, जब करता था तो मैं बोलती थी नहीं, मुझे सबको साथ लेकर चलना है। इसके अलावा कभी मैंने आकर उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई हो, कौसर पहले ऐसी थी, फलां के साथ थी, मैंने कभी भी इस बात पे कभी भी ये वाली बात मैंने कौसर के खिलाफ नहीं की। या फिर मैं जब इस टॉपिक को भी लेकर आई थी, तब भी मैं ऐसे रो नहीं रही थी कि मुझे बचा लो, मेरे हस्बैंड को बचा लो, मेरे हस्बैंड की शादी हो रही है, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के जा रहा है, नहीं था। मैंने कहा था जो खुदा को मंजूर है, जो हो रहा है बस। जब एक, फिर भी औरत का दिल है ना, औरत का दिल इतना पक्का नहीं होता जैसे कि आदमियों का होता है। मैंने बारात देखी थी, मैं रोई थी, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं किया था, मैं लाइव में रो पड़ी थी। और मैं यही बात बोलती थी, अगर के मेरे साथ लोग इतना कर रहे हैं तो मैं उनको हद, एक हद इतना बोलती थी कि उनके साथ भी ऐसा हो, तब उनको फील हो। मैं रोजे रसूल गई तो मैं वहां पर भी सबके लिए दुआ मांगते हुए आई, उमरा करने गई। मैंने ये इनको इस लिस्ट में डाला ही नहीं कि हेटर है। मैंने सबके लिए दुआ की कि मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, चाहे मेरे खिलाफ भी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। क्योंकि इंसान का कभी कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी इस दुनिया से। आज हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कल का कोई पता नहीं क्या हो सकता है।